नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे BSTC जो 2022 का एग्जाम हो चुका है, अब हम थोड़ी कट ऑफ का विश्लेषण कर लेते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में जैसा कि बताया आपको कि कट ऑफ कोई फिक्स नहीं रहती है। अगर आपको कोई ऐसा बता रहा है कि 370 कट ऑफ रहती है तो ऐसा नहीं है कि 360 वाले का एडमिशन नहीं होगा, 360 वाले का भी एडमिशन होगा और 365 वाले का भी होगा। अगर 370 प्लस है उसका भी रह सकता है। कैसे पूरा क्या खेल होता है कट ऑफ का वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा विस्तार से बताऊंगा। ऐसा आपको शायद ही कोई बताए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखो सबसे पहली बात तो कि आपने बहुत सारे चैनल देखोगे या बहुत सारे देख लिए होंगे कि कट ऑफ 360 रहेगी, 370 रहेगी, 380 रहेगी, इस बार तो 400 लाने होंगे तभी काम चलेगा। ऐसे वीडियो आपने बहुत सारे देख लिए होंगे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई फिक्स कट ऑफ नहीं रहती है इस चीज़ की। जो BSTC होती है इसकी कोई कट ऑफ नहीं रहती है, ठीक है। कहीं पर 360 वाले को क्या कॉलेज मिल जाती है और कहीं पर 375 वाले को भी नहीं मिलती है। क्या पूरा रहता है मैं आपको पूरा बताऊंगा जनरल OBC WSSTSC का। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ सेफ स्कोर बताऊंगा कि इतना सेफ स्कोर रह सकता है आपका। इससे ऊपर आपके चांस बनते हैं, इससे नीचे आपके चांस नहीं बनते, कम बनते हैं, नहीं बनते नहीं कह सकता, कम बनते हैं, ठीक है। अब देखो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली बात, कलर चेंज कर लेता हूँ एक मिनट में। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ पिछली साल की। पिछली साल थी 2021, उसमें क्या है फॉर्म कम फिल हुए थे थोड़े से। तो यहाँ पर क्या पिछली बार जो है OBC वगैरह में 365 तक भी नंबर आ चुका है, मेरे सामने आ चुके हैं इतने में OBC वगैरह में, और उससे पिछली साल चलें तो वो 400 तक भी नंबर आने मुश्किल हो रहे थे। तो इतने नंबर की कमी आई थी पिछली बार, ठीक है। बहुत कुछ फैक्टर काम करता है। सबसे पहला जो फैक्टर काम करता है वो होता है पेपर का लेवल। वैसे लगभग लेवल हर साल इतना ही रहता है, लेकिन फिर भी पेपर का लेवल हमेशा डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कट ऑफ को हाई ले जाएगा या लो ले जाएगा। एक बात और, कट ऑफ फिक्स नहीं रहती है। अभी मैं आपको कुछ बताते बता देता हूँ, फिर मैं आपको पूरी डिटेल से कट ऑफ बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, एकदम अच्छे तरीके से मैं आपको हर चीज़ समझाता रहूँगा। देखो कट ऑफ क्यों फिक्स नहीं रहती है वो मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट देखो खाली पहनने में बता देता हूँ, फिर आपको कट ऑफ बताऊँगा। कट ऑफ फिक्स इसलिए नहीं रहती, मान लो कि आप जयपुर शहर है, ठीक है, जयपुर शहर है, यहाँ पर क्या होगी भीड़ ज़्यादा होगी स्टूडेंट्स की, कॉलेज क्या होंगे कॉलेज उन स्टूडेंट के मुकाबले कम होंगे। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट क्या चाहेंगे कि मैं जयपुर में कॉलेज ले लेता हूँ या फिर मैं जोधपुर में कॉलेज ले लेता हूँ, ठीक है। और वैसे भी सीटें बहुत कम हैं, आपको बताइए जो BSTC की सीट वैसे भी बहुत कम है। तो देखो जो जयपुर और जो जोधपुर जैसी बड़ी सिटी है ना, जो मेन शहर है, वहाँ पर क्या होगा भीड़ ज़्यादा होगी, कॉलेजों की संख्या तो लगभग उतनी रहती है, हो सकता है थोड़ी बहुत कॉलेज ज़्यादा हो लेकिन भीड़ के मुकाबले क्या होगी कॉलेज ज़्यादा कम होगी। तो अब क्या होगा जो जयपुर है वहाँ पर ऑटोमेटिकली हाई चला जाएगा, जोधपुर है वहाँ पर ऑटोमेटिकली हाई चला जाएगा। मान लो कि किसी एक दूसरे ज़िले में या फिर एक दूसरी जगह आपका मान लो कि 370 में हो रहा है एडमिशन, तो हो सकता है यहाँ पर 400 में हो या फिर 400 में भी ना हो, हो सकता है यहाँ पर 400 में हो, ठीक है। कहीं पर मान लो कि एक नॉर्मल जगह आपका 370 में एडमिशन हो रहा है, जनरल के मान के चलें, बाकी मैं कैटेगरी वाइज आपको बता दूंगा, तो 370 में हो रहा है एक नॉर्मल जगह, लेकिन जयपुर और जोधपुर में हो सकता है आपका 400 में भी ना हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भीड़ ज़्यादा है, स्टूडेंट ज़्यादा होंगे, सीटें उतनी हैं, मान लो कि 100 सीटें हैं। ये मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कट ऑफ फिक्स नहीं रहती है। माना कि आपने जयपुर की सारी कॉलेज फिल कर दी, आपके नंबर थे 390 और आपने जयपुर की मान लो कि 10 कॉलेज फिल कर दिया, एग्जांपल बता रहा हूँ। फिर एक स्टूडेंट है जिसके 370 नंबर है, उसने क्या किया जयपुर छोड़ो, उसने कोई जिला आया आसपास या फिर चूरू है मान लो, चूरू की उसने आसपास की जितनी भी हैं चूरू में 7-8 कॉलेज वो फिल कर दी, ठीक है, फिल कर दी। अब क्या हुआ कि जयपुर में क्या बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होने के कारण सब जयपुर में चाहते हैं कि मेरा एडमिशन कहाँ पर हो, जयपुर में हो। तो वो क्या करते हैं एक मिनट, तो उन्होंने क्या किया जयपुर की सारी कॉलेज फिल कर दी और यहाँ पर सारे मान लो कि सीट ही कम है, मान लो 1000 सीट है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ आप दिल पर मत ले लेना, ठीक है, 1000 सीट है और जो स्टूडेंट है यहाँ पर जो एडमिशन लेने वाले वो क्या है लगभग सारे के सारे 400 प्लस नंबर वाले हैं, सारे के सारे क्या हैं 400 प्लस नंबर वाले हैं। तो ये 300 नंबर वाले को नहीं मिलेगी। फिर कैटेगरी वाइज भी तो होती है, 300 नंबर का आपके जनरल में 390 नंबर, तो क्या जनरल की तो सीटें मान लो कि 40% होती है, 1000 में से 400 सीटें और 400 स्टूडेंट अगर 400 प्लस हो गए तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। और आपने कॉलेज कितनी फिल की थी 10, वो भी कहाँ की जयपुर की, सेम जोधपुर के साथ भी हो सकता है। लेकिन जो छोटी कॉलेज हैं जहाँ यानी कि दूर हैं गांव से, कोई गांव में है कोई छोटे ज़िले में है, वहाँ पर क्या होगा कि आपने कितनी कॉलेज फिल की, मान लो कि उस ज़िले में 7 कॉलेज थे, आपने 7 फिल कर दी। अब क्या होगा जो 370 नंबर वाला है उसने क्या ये कॉलेज फिल की, 390 नंबर वाले ने ये की, तो यहाँ पर देखो मान लो कि 700 सीटें हैं, इनमें से क्या है स्टूडेंट जो है लगभग 370 प्लस स्टूडेंट है वो मान लो कि 200 ही है, 360 प्लस स्टूडेंट मान लो कि 400 है,
इस हिसाब से स्टूडेंट है तो क्या होगा, 360 तक वालों को मिल रही है तो 370 वाले को ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, तो 370 वाले को मिल गई, 390 वाले को नहीं मिली। तो ये होता है कट ऑफ का फंडा बीएसटीसी में, यानी कि बीएसटीसी में कोई फिक्स कट ऑफ नहीं रहती है। अगर आपने जो कॉलेज फिल किए वहाँ पर स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर ज़्यादा हैं, तो हो सकता है कि आपको क्या नंबर ज़्यादा होते हुए भी रहना पड़ जाए। अगर स्टूडेंट क्या है कम नंबर वाले हैं, आपके भी थोड़े से अच्छे नंबर हैं जैसे 370 हैं, तो आपका हो जाएगा। तो ऐसा क्या होगा, आपकी कॉलेज पर डिपेंड करेगा। कॉलेज भी कैसे डिपेंड करती है कि उस कॉलेज में भीड़ ज़्यादा ना हो, उस एरिया में क्या हो कॉलेजें ज़्यादा हो, उस एरिया में स्टूडेंट की संख्या कम हो, तब आपको क्या कम नंबर में भी कॉलेज मिलने के चांस रहते हैं और ज़्यादा नंबर वाला भी रह सकता है। इसलिए कोई ऐसा बता देना कि 370 कट ऑफ रहेगी तो इसका मतलब वो नहीं है कि आपको 360 में नहीं मिलेगी और 380 में मिल जाएगी, बिल्कुल नहीं। कॉलेज कैसी भरी है आपने उस पर डिपेंड करता है। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से ये पूरा बता देता हूँ, ये सेफ स्कोर बताऊँगा मैं आपको, ध्यान रखना सेफ स्कोर है कि इससे ऊपर तो आपको मिलनी ही है, ठीक है। पिछली बार कम रही थी, पिछली बार 370 तक मेरे सामने आराम से मिली थी, 365 में भी मिली थी एक OBC को, तो इस बार थोड़ी सी हाई रहेगी पिछली बार की तुलना में, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट वापस बढ़ चुके हैं। तो जनरल में हो आप तो आपके अगर 380 से 90 नंबर हैं तो आपका चांस स्टार्ट हो जाते हैं सेफ की तरफ, ठीक है। हालांकि आज से थोड़े दिन पहले जो मान लो कि 2020 तक तो बहुत हाई रहती थी इस चीज़ की कट ऑफ, लेकिन अभी क्या थोड़ी सी नीचे आने लगी है। कारण है कि स्टूडेंट की संख्या 2020 है उसमें तो 7.5 लाख से भी ऊपर फॉर्म फिल हुए थे, ठीक है। तो लगभग मान लो कि आप अगर 390 के क्रॉस हो जाते हो, ठीक है, 390 क्रॉस हो जाते हो तो आप सेफ जोन में जाना स्टार्ट कर दोगे, कहीं ना कहीं आपको कॉलेज मिलने के चांस रहेंगे। सेम OBC की बात करें तो ज़्यादा नीचे नहीं रहेगी आपकी, 380 प्लस हो OBC में आप तो आपके चांस स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने अब 380 बता दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि 370 वाले को नहीं मिलेगी, 360 तक भी मिल सकती है। बात कॉलेज पर आती है कि आपने कॉलेज कौन सी फिल की है, ठीक है। फिर बात EWS की करें तो EWS भी लगभग 375-380 के आसपास मिलने के चांस, सेफ स्कोर स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। ST की बात करें तो लगभग जो SC है लगभग 360-365 से ऊपर वाले सेफ में आने स्टार्ट हो जाते हैं, और ST वाले 355 प्लस वाले सेफ में आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये मैंने एक सेफ स्कोर बताया कि इससे ऊपर आपको लगभग कॉलेज मिल जाएगी। 390 बताया तो इसका मतलब ये नहीं है 380 वाला काउंसलिंग ही ना करें, 300 क्या पता 370 वाले को भी मिल जाए। सब कुछ लक पर डिपेंड करता है कि आपने जो कॉलेज फिल किया वो दूसरे कैसे स्टूडेंट्स ने फिल किया। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि ये तो 380 बता रहे हैं मेरे तो 360 तक आएंगे या फिर मेरे 350 तक बन जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 350 में भी आपको कॉलेज मिल सकती है, क्योंकि पिछली बार कट ऑफ एकदम कम रही थी, 360-365 तक OBC में भी आ चुके थे स्टूडेंट। तो इसलिए आपको काउंसलिंग सबको करानी है। ये मैं एक सेफ स्कोर बता रहा हूँ, मतलब इससे ऊपर है तो आप एकदम बेफिक्र हो सकते हो कि हाँ मेरा तो लगभग हो ही जाएगा। एक बात और, फीमेल हो जो भी लड़कियां हैं उनकी कट ऑफ इन नंबरों से 10-10, 15-15 नंबर कम रहती है। यहाँ पर अगर 390 में होता है तो 375-380 में यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर अगर 380 में होता है तो यहाँ पर 370 में आराम से हो जाएगा, यहाँ पर अगर 375 में होता है तो यहाँ पर 65 में आराम से हो जाएगा। ये 15 नंबर तक कम रहती है लड़कियों की कई बार लड़कों से, और अगर यहाँ पर 360 है तो यहाँ पर हो सकता है 350 तक ही हो जाए, और यहाँ पर 355 है तो यहाँ पर 340-345 तक भी हो सकता है। तो ये एक सेफ स्कोर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको 430 लाने होंगे, 450 लाने होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछली बार तो एकदम कम कट ऑफ रही थी। अब बात करते हैं कि ये कट ऑफ है या नहीं, ये कट ऑफ नहीं बता रहा मैं आपको, सेफ स्कोर बता रहा हूँ। बार बार कह रहा हूँ सेफ स्कोर, सेफ स्कोर, सेफ स्कोर। इससे ऊपर आपके चांस अच्छे खासे हैं, इनसे नीचे वालों को भी मिलेगी, लेकिन कितनों को मिलेगी ये उनके लक पर डिपेंड करता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी कोई कमेंट हो तो आप कमेंट कर दें, मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से आगे भी बताता रहूँगा। जीवा स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।